सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ, हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के पंच सखा श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती पर जन्म लिया था। सतयुग में कृपा जल, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी थे, जिन्होंने अच्युतानंद दास जी के रूप में उड़ीसा में जन्म लिया और फिर वह उड़ीसा समेत पूरे देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी थी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी, इसी प्रकार अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका पुराण के 185,000 ग्रंथ लिखे। भविष्य मालिका पुराण महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। आइए हम सभी सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृतवाणी भविष्य मालिका पुराण। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। अति पवित्र धारा भविष्य मालिका पुराण, भक्तों का उद्धार, पापियों का विनाश, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा, भगवान कल्कि का अवतार, पंचभूत का तांडव, तृतीय विश्व युद्ध का जूस युग शेषकालीन तबाही और सत्य युग का आगमन, मनुष्य लोगों में परिवर्तन और भक्त लोगों को सत्य युग को जाने के लिए जो रास्ता, यही है भविष्य मालिका। गदा मोह साधि कहरी वाणी कार्य, गदा मोह साधि कहरी वाणी कार्य, बड़ा है वे सुज्ञा जाना अपना हस्तरे स्कंद छिड़ाइबे मिलिबे देवी भवन। स्वामी की महापुरुष अच्युतानंद बोल रहे हैं, बोले कलिजुग की रीति 5126 साल के समय पर जब धर्म संस्थापना देवी माताओं के माध्यम से रोग महामारी आपद सारा विश्व को तबाही की मंजिल की पर लेके चलेगा और अंतिम समय में कई 64 प्रकार का बीमारी आएगा, जिस बीमारी से धर्म की बिना सुरक्षा नामुमकिन है,
धारा की बिना सुरक्षा नामुमकिन है। जो सत्ययुग की जो धारा है, जो वैदिक धारा है, जो भगवान की प्रदत्त धारा है, जो सत्ययुग को जाने के लिए मनुष्य लोगों के लिए आज से 600 साल के लिए वर्णन है, उस धारा के सिवा मनुष्य लोग रोग महामारी से लड़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति पंचभूत और दैविकृत लड़ाई है। ये जो बीमारी देवी माता को लड़ाई है, ये कोई मनुष्यकृत नहीं है। और ऐसे समय पर महापुरुष अच्युतानंद ने चेतावनी दे के सारे लोगों को चेतावनी देते, वार्निंग, सारे विश्व की मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा चेतावनी है, ऐसे समय आएगा दवाई काम नहीं करेगा और संसार कैसे रहेगा, मनुष्य सभ्यता का सुरक्षा कैसे। अगर दवाई काम नहीं करेगा तो मनुष्य समाज की सुरक्षा कैसे होगा। अदर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और उसी समय पर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, ये एक धर्म ही और धर्म ही मनुष्य लोगों को सुरक्षा दे पाएगा। तो हमको क्या करना जरूरी है, तो समय से पहले मालिका को अनुसरण कर लेने से मनुष्य समाज की भलाई होगा, क्योंकि बुरा समय से पहले भगवान चेतावनी देते हैं, कभी पीछे से प्रभु किसी को मारा नहीं। सारा विश्व में भूकंप हो रहा है, भूकंप का तीव्रता बढ़ता जाएगा, विनाश की बढ़ता जाएगा, तो सुरक्षा की बात तो जरूरी है। और बीमारी तो आता जाता है और बीमारी कई आने वाले हैं, मैं बता रहा था। और महापुरुष एक बात कहे हैं, जे कोई मेडिसिन काम नहीं करेगा, समय आएगा, आप इसको लिख के रखें और समय से बताएंगे मालिका के वाणी कितना निराधार है, कितना वैदिक धारा से पवित्र धारा है। तो ऐसे समय पर मनुष्य लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सभी मनुष्य लोगों को माधव नाम भजन करना पड़ेगा, त्रिसंध्या करना पड़ेगा। अभी से हर घर में भागवत पठन जरूरी है, क्योंकि भागवत सत्ययुग की शुरुआत की पहला सोपान है। तो ऐसे जो लोग ये भविष्य मालिका की पुराण को देखते हैं संस्कृति टीवी के माध्यम से, उनको मैं बताना चाहता हूं, अभी भी समय है और इस समय को पूर्ण उपयोग करके श्रीमद् भागवत रोज हर घर में हर सदस्य पढ़ना जरूरी है। हर व्यक्ति, बच्चे से बूढ़े बुजुर्गों तक, त्रिसंध्या करना जरूरी है, सभी साकारी बनना जरूरी है और सभी नशा से दूर होना जरूरी है, नहीं तो हम सत्ययुग को नहीं जा पाएंगे। हमारी शरीर अगर दिव्य और पवित्र शुद्ध नहीं होगा तो देवी माता को जो संहार आ रहा है बीमारी और पंचभूत का आपत, उसमें बचना मुश्किल होगा। ये भाई की वाणी नहीं है, ये सच है और सच्चाई तो पिछले 3 साल से हम झेल रहे हैं। तो अभी हमारा विवेक को जागृत करना जरूरी है और मालिका को अनुसरण करना भी जरूरी है। और मालिका सिर्फ भक्त लोगों के लिए लिखा है, सभी लोगों के लिए लिखा ही नहीं है। जो सच में भक्त पाखंडी नहीं है, जो धर्म को बेचते उन लोगों के लिए नहीं है, जो धर्म को बांटते हैं और जो धर्म को धारण करते हैं उन लोगों के लिए भविष्य मालिका पुराण। तो महापुरुष अच्युतानंद ने ये जो चेतावनी दिया, अगले समय में उसका प्रमाण भी आप लोग देखेंगे। कई कई स्थान पर ऐसे भी प्रमाण होता है। और दवाई काम नहीं करेगा तो मनुष्य सभ्यता का सुरक्षा कैसे होगा।
तो ऐसे समय पर भविष्य मालिका का आवश्यकता है। तो इसलिए प्रभु जगन्नाथ की कृपा से भविष्य मालिका हम प्रचार कर रहे हैं, आप उसको पालन करें, अनुकरण करें। पिछले एपिसोड में हमने बताए थे जब जगन्नाथ क्षेत्र में चौथा दिव्य सिंह देव महाराज शासन में रहेंगे, जगन्नाथ क्षेत्र की प्रभु की रजा, हमारी पूज्य भारत की सभी लोगों का पूज्य रजा, क्योंकि जगन्नाथ जी की रजा, उनका नाम जो होगा दिव्य सिंह महाराज होगा, वो हो गया मालिका के अनुसार, वो भी 19वीं रजा है मालिका में जो लिखा था, मैं अगले आगे सोपान में जा रहा हूँ। और उसी समय कलिजुग का अंत और भगवान के अवतार जगन्नाथ श्री क्षेत्र छोड़ेंगे। अम्भ नील छोड़ो छड़ी नरो देहो धारण जा जन ग्रे जाई जन्मी वो विष्णु भक्त गृहेण जा जन ग्रे जाई जन्मी वो विष्णु भक्त गृहेण जन ग्रे जाई जन्मी वो विष्णु भक्त गृहेण माधव 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 जय सत्य माधव गोविंद 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 जय राधे गोविंद भोले जगन्नाथ स्वामी की। तो वो महापुरुष अच्युतानंद ने अति पवित्र धारा से जो देवता मुनि ऋषियों को दुर्लभ है, जिसको तपस्या करते करते अनंत युग तक ऋषि मुनियों ने जिसका दर्शन लेस मात्र नहीं मिलता है, ब्रह्मा शंकर भगवान 33 करोड़ देवादेवी जिसको निरंतर अनुसरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अखिल ब्रह्मांड का जो कर्ता है, जो अगुण में हो जो सगुण में जो निर्गुण में है, जो स्वर्ग मर्त्य पाताल 14 ब्रह्मांड में जो अधिनायक है, जो अधिज्ञ देव है, जो परम विष्णु है, जो संसार की कारण तारण सृष्टि का सबसे बड़ा कारण है, वही प्रभु का अवतार के बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने स्पष्ट रूप से, कई लोग इधर उधर बोलते हैं प्रभु की अवतार के बारे में, पर भविष्य मालिका पुराण उसको पूर्ण रूप से, वो भी जगन्नाथ की परम सखा सुदाम ने, जगन्नाथ की भगवान कृष्ण के द्वापर युग की पंच सखा, कलियुग में उड़ीसा की पावन धरती पर अवतार हुए, और स्पष्ट रूप से कल के अवतार के बारे में स्थान निरूपण करते हैं, और किसी समय उनका अवतार होगा इसका बारे में भी प्रमाण करते हैं। कोई 50 साल 60 साल 70 साल का लोग आज बोलते मैं भगवान कृष्ण हूँ, राम हूँ, शिव हूँ, लोग ऐसे बोलेंगे, क्योंकि संसार में पाखंडी संख्या कलयुग में बहुत बढ़ गया, और धर्म को विघटन करके अपने आप को भगवान बताते हैं, कोई अपने आप को कृष्ण बताता है, तो कोई अपने आप को शिव बताता है। तो भविष्य मालिका पुराण में उन लोगों का कोई नाम नहीं है, निशान नहीं है, चिन्ह वर्ण भी नहीं है, पर उस पाखंडियों के पीछे लोग दौड़ते दौड़ते अपना जीवन और सारे संपत्ति को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, पर असली भगवान के पास जाने के लिए मनुष्य के पास आज वक्त नहीं है, और मालिका को वाणी को अनुसरण करे तो प्रभु के बारे में जानेंगे, क्योंकि मालिका के सिवा और कोई ग्रंथ में इसके बारे में लिखा नहीं। कोई अपने आप को आत्मघोषित भगवान बताए उसमें कोई लेना देना नहीं है, भारत के सभी का बात करता हूँ, किसी को छोड़ता नहीं मैं, जो जो बोलते हैं उनका बात करता हूँ, नाम नहीं बताता, वो सब पाखंडी है, मालिका में उनका नाम नहीं है,
आप आए उड़ीसा, हम दिखाएंगे मालिका में भगवान के अवतार के बारे में, उड़ीसा की म्यूजियम गवर्नमेंट म्यूजियम में भी कल के अवतार के स्थान निरूपण के बारे में लिखा सब कुछ ग्रंथ है। वो ग्रंथ को आप खुद पढ़िए, पाखंडियों से दूर रहिए, क्योंकि विनाश के समय आ रहा है और विनाश के समय में पाखंडी लोग रक्षा नहीं कर पाएंगे। उनका काम लुंठन, प्रताड़ना और झूठ बोलना, उनका काम यही है, लुंठन करना, प्रताड़ना करना और झूठ बोल के संसार में अपना ज्ञान गौरव गारिमा को प्रकाश करना अपने मुख से। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसको बोले हैं, बोले जगन्नाथ जी नीलाचल क्षेत्र छोड़ेंगे और नर्तन उदाहरण करेंगे। कौन सा समय पर होगा इसके बारे में अगले विचारधारा में बताऊंगा, पर बात यही है जगन्नाथ जी कल के अवतार धारण करेंगे और कल के अवतार धारण करेंगे जब मानव तन में आएंगे, ब्राह्मण घर में प्रभु का अवतार होगा, वो भी उड़ीसा जैसा पवित्र जगन्नाथ क्षेत्र की पावन धरती पर, उड़ीसा की पावन धरती पर, आदि क्षेत्र पर भगवान कल की, आदि क्षेत्र का बात मैं करता हूँ, मालिका में स्पष्ट रूप से ये सब वर्णन है। आदि क्षेत्र पर भगवान कल की का अवतार होगा और आज भारत में जितने लोग बताते हैं उनके बारे में भविष्य पुराण मालिका में पंच सखाओं ने कुछ भी नहीं लिखा। तो ऐसे सनातन धर्मी जो भगवान कृष्ण की श्री चरण पर अनुसरण में है, वो लोगों के लिए सबसे बड़ा जरूरी है मालिका को अनुध्यान करना और इसमें कई युग तपस्या का फल प्राप्त हो सकता है। तो फिर महापुरुष अच्युतानंद कलिजुग की अंत के बारे में, महापुरुष जगन्नाथ दास जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठ के श्रीमद् भागवत उड़िया का रचना किए थे अति पवित्र धारा में, वही जगन्नाथ दास महाराज ने अपना भविष्य मालिका पुराण में लिखे हैं। पुरुषोत्तम देवराजा ठारू उनविंश राजा हेबे सेठारू, सेठारू आउ राजा नहीं, अकुली होइब कुल को बहु, यानी जगन्नाथ दास महाराज ने भविष्य मालिका में यही लिखे हैं, यानी जगन्नाथ क्षेत्र की जो गिने गिनती हुए राजा के नाम पहले राजा पुरुषोत्तम देव और आज तक जितने राजा हुए हैं 2023 तक, यानी 2026 मार्च 29 तक जितने राजा हुए हैं उसमें 19 राजा होंगे और यही प्रमाण हुआ 19 राजा हुए हैं आज तक। और वो आखिर राजा जो रहेंगे वो दिव्य सिंह महाराज रहेंगे। तो पहले जो राजा थे वो पुरुषोत्तम देव राजा थे, दूसरा नंबर नरसिंह देव, तीसरा नंबर बलभद्र देव, चौथा नंबर गंगाधर देव, पंचमा नंबर मुकुंद देव, छठवा नंबर दिव्य सिंह देव, सातवा नंबर हरे कृष्ण देव, आठवा नंबर गोपीनाथ देव, नौवा नंबर रामचंद्र देव, दसवा नंबर बीरोकिशोर देव, 11वां नंबर दिव्य सिंह देव दो और 12वां नंबर मुकुंद देव दो, 13वां नंबर रामचंद्र देव दो, 14 नंबर बीरोकिशोर देव दो, 15 नंबर दिव्य सिंह देव तीन, 16 नंबर मुकुंद देव तीन और 17 नंबर रामचंद्र देव तीन, 18 नंबर बीरोकिशोर देव तीन और 19 नंबर दिव्य सिंह देव महाराज 19तम राजा अभी है और मालिका का यही प्रमाण है। अभी 19तम राजा शासन कर रहे हैं और उनका नाम श्री 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 ठाकुर दिव्य सिंह देव महाराज है। तो कलिजुग जब अंत होगा उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में दिव्य सिंह देव महाराज शासन करेंगे, भविष्य मालिका में रचना हुआ था आज प्रमाण हुआ और विनाश भी होगा, भक्त के भी उद्धार होगा। मालिका को अनुसरण करें, आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में विचार रखेंगे। तब तक जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र, जय माँ सुभद्र।
जगन्नाथ 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 त्राही मंग जगन्नाथ 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 रक्ष मंग जगन्नाथ 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 त्राही मंग जगन्नाथ 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 रक्ष मंग जगन्नाथ 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 त्राही मंग जगन्नाथ 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 रक्ष मंग जगन्नाथ 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 त्राही मंग जगन्नाथ 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 रक्ष मंग जगन्नाथ 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 त्राही मंग जगन्नाथ 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 रक्ष मंग बलभद्रे त्राही मंग बलभद्रे 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 रक्ष मंग बलभद्रे 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 त्राही मंग बलभद्रे 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 रक्ष मंग बलभद्रे त्राही मंग बलभद्रे 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 रक्ष मंग बलभद्रे 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 त्राही मंग बलभद्रे 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 रक्ष मंग सुभद्राय 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 त्राही मंग सुभद्राय 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 रक्ष मंग सुभद्राय 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 त्राही मंग सुभद्राय 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 रक्ष मंग सुभद्राय 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 त्राही मंग सुभद्राय 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 रक्ष मंग सुभद्राय 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 त्राही मंग सुभद्राय 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 रक्ष मंग बोले जगन्नाथ स्वामी की। ओम स
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ, हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के पंच सखा श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती पर जन्म लिया था। सतयुग में कृपा जल, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी थे, जिन्होंने अच्युतानंद दास जी के रूप में उड़ीसा में जन्म लिया और फिर वह उड़ीसा समेत पूरे देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी थी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी, इसी प्रकार अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका पुराण के 185,000 ग्रंथ लिखे। भविष्य मालिका पुराण महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। आइए हम सभी सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृतवाणी भविष्य मालिका पुराण।